देख रहे हैं अनहोनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहन सोचते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे पहले ही लेट हो चुका था, अब बस आखिरी बस बची थी। अगर वो भी छूट गई तो आज रोहन को इसी गांव में रुकना पड़ेगा, और गांव में तो वो किसी को जानता भी नहीं जिसके वहां एक रात रुक सके। बस स्टॉप पर पहुंचने पर उसे पता चला कि लास्ट बस किसी खराबी की वजह से आज नहीं आएगी। रोहन मन ही मन बड़बड़ा रहा था, आज ही बस को खराब होना था। अब रोहन को ना चाहते हुए भी आज उसी गांव में रुकना पड़ेगा जहां वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उस गांव के बारे में जो कुछ सुना था वो बहुत ही डरावना था। हालांकि रोहन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, फिर भी वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए हर रोज वो ठीक समय पर गांव से निकल जाता, लेकिन आज उसे थोड़ी देर हो गई। अब गांव में रुकना तो उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वहां से निकलने का और कोई साधन नहीं था उसके पास। रोहन वहीं बेंच पर बैठकर सोच में पड़ गया। कुछ दिनों पहले वो कितना खुश हुआ कि उसके शिक्षक की परीक्षा पास कर ली है और वो अध्यापक बन गया है। घर में कितनी खुशी का माहौल बन गया था, सब उसे बधाइयां दे रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जहां कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो भूतिया गांव था। वहां शाम 6 बजे बाद कोई आदमी दिखाई नहीं देता और सभी वहां घरों में कैद हो जाते थे। कितनी ही बड़ी जरूरत क्यों ना हो जाए, वो कभी बाहर नहीं आते थे, और जो लोग कभी किसी कारणवश घर से बाहर आए वो कभी अपने घर को नहीं जा सके। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो पैसों की भी जरूरत थी, फिर भी उसके परिवार में सब ने उसे मना किया। दूसरी जगह पोस्टिंग कराने की बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हो सका। आखिरकार रोहन ने उसी गांव में ज्वाइन करने का फैसला लिया। रोज सुबह 8 बजे तक रोहन स्कूल पहुंच जाता और वहां से 3 बजे किसी भी कीमत पर निकल जाता। लेकिन आज एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे वो डॉक्टर को दिखाकर घर तक छोड़ने चला गया, तो उसे लौटने में देर हो गई। तभी अचानक रोहन को होश आया और वो अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा कि आसपास के सभी लोग जा चुके हैं और वो अकेला ही वहां पर था। वो भी बेंच से उठकर फिर से गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते भर उसे कोई नजर नहीं आया। बस स्टैंड से गांव काफी दूर था। दोपहर तो वहां काफी हलचल रहती, पर शाम होते होते सन्नाटा धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता। रोहन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा और वो जल्द से जल्द गांव पहुंचकर किसी से मदद मांगने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके स्कूल के बच्चों के परिवार में से शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन उसे गांव पहुंचने में लगभग 6 बज चुके थे। उसने देखा कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा है, उसे चिड़िया तक की भी आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, कहीं थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने भी अपने दरवाजों के साथ बिजली भी बंद कर दी थी। सब तरफ ऐसा सन्नाटा कि छोटे छोटे झिंगुरों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अब तो रोहन को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। उसने आवाज भी लगाई लेकिन अंदर से भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए पर उसे किसी से भी कोई मदद नहीं मिली। रोहन निराश हो गया, अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे अब चोरों की भूख भी लग रही थी। वो आगे की तरफ बढ़े जा रहा था, अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बस बिना रुके चलता जा रहा था। तभी उसे कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोहन ने उसी ओर जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक मंदिर है, और वो रोशनी मंदिर में जल रहे एक दिए की थी जो शायद पुजारी जाते समय जला कर गया था। रोहन को भी उस दिए की रोशनी में
कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। हर दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर, उसके द्वार कभी बंद नहीं होते। रोहन ने भी रात मंदिर में बिताने की सोचकर वो मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर दो चार दिए और जल रहे थे, तो वहां थोड़ी रोशनी ज्यादा थी। आगे बढ़ने पर उसे मूर्ति के सामने कुछ फल रखे दिखाई दिए। रोहन का भूख के मारे हाल बेहाल था। उसने वो फल उठाकर खा लिए और पानी भी उसे मंदिर में ही मिल गया। अब रोहन एक जगह पर बैठ गया और उसकी थकान के कारण उसकी आंख लग गई। रात करीबन 12 बजे अचानक जोर की किसी चीज के गिरने की आवाज से रोहन की नींद टूटी। अचानक आई इस आवाज से रोहन घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया और ना ही कोई चीज जिसके गिरने की आवाज उसने सुनी थी। रोहन को प्यास लगी तो वो उठकर पानी पीने गया। उसने जैसे ही नल खोला तो नल में पानी नहीं आया, लेकिन नल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रोहन डर गया और डर के कारण उसका गला सूख रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो मंदिर में इधर उधर पानी देखने लगा, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। रोहन तेज धड़कनों के साथ पूरे मंदिर में घूमकर पानी की तलाश कर रहा था। उसकी प्यास बढ़ रही थी। तभी उसे एक जगह पर एक मटका रखा हुआ दिखाई दिया। रोहन ने मटके में से ही पानी पी लिया। अब उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर वो तो उसे लग ही रहा था। फिर से आकर वो उसी जगह पर सोने की कोशिश कर रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, तो वो अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाह रहा था। सोचते सोचते उसकी आंख फिर एक बार लग गई। थोड़ी देर बाद रोहन को अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने उठकर इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका बदन पसीने से पूरा भींग चुका था। अब उसे डर लगने लगा था। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। मानो डर के मारे उसके पैर भारी हो गए हों। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे आसपास देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे की तरफ कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसका दिल जोरों से किसी धोंकनी की तरह धड़क रहा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आवाज आना बंद हो गई। फिर भी रोहन धीरे धीरे वो उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कितने ही सालों से नहीं खोला गया हो। रोहन सोचने लगा कि अगर दरवाजा सालों से नहीं खुला तो अभी इसके अंदर कौन खटखटा रहा है। उसने कांपती हुई आवाज में बोला, कौन है अंदर? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने दो तीन बार और पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर दरवाजे में हो रहे एक छेद पर पड़ी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उस छेद में से अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने छेद के अंदर की तरफ देखा तो उसे दूसरी तरफ उस छेद की झांकता एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। रोहन झटके से दरवाजे से दूर हो गया। वो बुरी तरह से कांप रहा था। अब तो एक कदम बढ़ाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे कि वो वहीं जम गया हो। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन अब रोहन वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन अचानक उसने देखा कि उस छेद में से एक हाथ बाहर आ रहा था। ये देखकर तो रोहन दूसरी तरफ भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन उसका दिमाग उस तरफ ही था। वो पेड़ के पीछे से ही उधर देखने लगा। अब उसे वो हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। रोहन को थोड़ी राहत मिली। वो अब उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा शांति का मतलब अब कुछ खतरनाक होने वाला है। वो हाथ
तेजी से निकलकर रोहन की ओर बढ़ने लगा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस गया था, मगर तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। रोहन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पीछे पंडित के कपड़ों में एक शख्स खड़ा है। उसने रोहन को उस मंदिर से बाहर निकाला और कहा, तुम पागल हो क्या? इस मंदिर में रात के बाद कोई नहीं जाता, तुम्हें पता नहीं है इस मंदिर में एक पिशाच कैद है। जिसके बाद उस पुजारी ने रोहन को अपने घर ले गया और पूरी रात रोहन उसी के घर में रहा। अगली सुबह रोहन वहां से बाहर निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।